हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मैं बताऊंगा, सबसे पहले कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, जिसमें क्या होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क और क्लाउड के कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी। आप लोग उसको एक बार ज़रूर पढ़ना, उससे एमसीक्यू आ सकते हैं, आपसे मिल भी सकता है, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट कई सारे, लगभग मैं बता दूँ तो लगभग 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के सामने, एक्सप्लेनेशन के साथ उसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे और आंसर भी, आंसर की भी देंगे क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। तो यार यहाँ पर हम सबसे पहले रिकैप देते हैं मैंने क्या क्या डिस्कस किया, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबका, कई लोग होते हैं जो ये सबसे पहले वीडियो उनको मिलती है, तो इसके वजह से मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूं। देखिए यार, इस वीडियो में पूरे एसेंचर के प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा हूं, जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेकर रोड मैप, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हर एक टॉपिक को कवर किया। यहां पे सबसे पहले जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें तीन होता है, जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, सबसे पहले कॉग्निटिव एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर टेक्निकल असेसमेंट होती है, फिर कोडिंग राउंड होती है। ठीक है, और देखो यार इसमें जो होती है तीन टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश एबिलिटी, ठीक है, और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इससे 50 क्वेश्चन पूछती है, 50 मिनट में करने होते हैं। उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट में क्या क्या पूछती है, यहाँ पे देखिए कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस के क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी मैंने बना रखी है। सूडो कोड के ऊपर मैंने ऑलरेडी तीन वीडियो बनाई है, जाके चेकआउट जरूर करना। और आज की जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड क्लाउड के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन डिवाइड कैसे होता है, देखो इससे 12 क्वेश्चन, इससे 18 क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन पूछती है, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन होती है, 40 मिनट में इसको करना होता है। ठीक है, उसके बाद कोडिंग पे आ जाएंगे हम लोग, और टॉपिक वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, ये पीडीएफ भी मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो। और चैनल पे नया है, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आप लोग को मिलेगी जिसमें मैं कोडिंग का पूरा सॉल्व करके आप लोग के सामने दिखाऊंगा, असेंचर का जो भी लास्ट पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन भी फॉलो नहीं किया तो जाके लिंक्डइन पे चेकआउट करो, वहाँ पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मेरे को। बाकी टॉपमेट मैं बता देता हूँ, टॉपमेट पे 31 अगस्त के पहले पहले आप कोई भी बुकिंग कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसमें कुछ भी कर लो, बोलो भैया मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो, भैया मेरा रिज्यूमे रिव्यू कर दो, और साथ ही साथ आप ये भी मेरे से करवा सकते हो, भैया प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तब भी आप मेरे से वहां पे पूछ सकते हो, जॉब कैसे फाइंड करना है, या फिर किसी से रिलेटेड चीजें, आपकी पूरी प्रॉब्लम है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करें, सारा कुछ टॉपमेट पे 1-to-1 शेड्यूल करिए, जो कि फ्री है, 31 तक फ्री है, उसके बाद मैं चार्जेस लगा दूंगा। तो जल्दी जल्दी इसको टॉपमेट पे मीटिंग शेड्यूल करिए मेरे साथ। और लास्ट में बता दूं, टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ और काफी लोगों को हेल्प भी हुआ है। ठीक है, मैं कई सारे जॉब के डेली पोस्ट करता हूँ, वहां पे जाके आप ज्वाइन करके अप्लाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले पढ़ने के लिए यहाँ पे देखो कुछ मैं टॉप नेटवर्क सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप लोग के सामने, ये क्वेश्चन है और इसके कुछ आंसर नहीं, मतलब हाँ इसके कुछ टॉपिक है कि इस टॉपिक से ये चीज थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लो, जैसे एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया। ठीक है, ये ट्यूटोरियल, उसके बाद एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये देख सकते हो, व्हाट डू यू सी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद इन अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके कुछ ऐसे थ्योरेटिकल किस पॉइंट है, इसको पढ़ लोगे तो इसमें से एमसीक्यू भी फंस सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन ऐसे मैंने ये है, इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, तो ये सारा कुछ एक बार जरूर पढ़ लेना आप लोग, इससे एमसीक्यू आप लोग के चांसेस हैं कि फंस जाएंगे। ठीक है, मतलब एक टॉपिक है, इस टॉपिक से पूछती है क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी है, ऐसे आप इतना थ्योरी क्या ही पढ़ू मैं, तो ये सारा क्वेश्चन का मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर चेकआउट करना और डाउनलोड भी कर लेना आप लोग, सारा कोई फ्री है, कोई डाउनलोड में पैसे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो सिमेट्रिक एंड एसिपिंग ट्रिक में, इंक्रिप्शन में बताना है आप लोग को, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक हैट हैकर के बारे में, और अच्छे, काफी अच्छे क्वेश्चन है, एमसी को डायरेक्ट फंस जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है ये सारे कुछ। ठीक है, ये सारा पूरा पढ़ लेना आप लोग ये पीडीएफ को। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन पे, आता हूँ जो भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे आंसर, मतलब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो असेंचर पूछती है, किस टाइप का क्वेश्चन, देखो यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। अब आपको पता होना चाहिए, अब ये तो कोई कैलकुलेशन वाली पार्ट नहीं है कि मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं ये चीजें ऐसे, तो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी पीडीएफ दिया था सबसे ऊपर जो डिस्कस किया था, वो सबको पढ़ो, उसमें से मिल जाएगा। यहाँ पे है लैग, ठीक है, लॉक, सॉरी लॉक। अब सेकेंड क्वेश्चन, एन एल्गोरिदम इज इंक्रिप्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो, व्हाट इज रैनसमवेयर, ठीक है, वे कौन सा होगा, यहाँ पे पढ़िए और आंसर दीजिए। सारा कुछ थ्योरेटिकल, यार थ्योरेटिकल में क्या ही ज्यादा डिस्कस करें, क्वेश्चन पढ़िए उसके आंसर दीजिए।
इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, जो रटा होगा जो पढ़ा होगा एक बार एटलीस्ट आप लोग गोन थ्रू करिए और मिल जाएगा यार। यहाँ पे जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क रिलायबिलिटी इशू, अब ये पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी या फेलियर भी होता है, रिकवरी टाइम आफ्टर फेलियर होता है, यहाँ पे देख सकते हो कैटास्ट्रोफी होता है, सारा कुछ होता है ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो और ये छठवां क्वेश्चन है, ऐसा सारा थ्योरेटिकल है। और यहाँ पे देख सकते हो ये सातवां क्वेश्चन और ये आठवां क्वेश्चन, सब थ्योरेटिकल चीजें मिलेंगी इसमें। और क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग किसके स्क्रीन पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू आंसर के साथ डिस्कस कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे जो रियल एसेंशियल क्वेश्चन थे वो पीडीएफ। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये दिया, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग ठीक है। थ्योरेटिकल में क्या ही चीजें ज्यादा मैं टाइम दूँ। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो इसके, तो ये सारा कुछ सबका एक्सप्लेनेशन मिलेगा और साथ ही साथ आंसर की मिल जाएगा यहाँ पे, और सारे ये चार ऑप्शन मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन मिल जाएगा ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आप लोग देख सकते हो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसके चार ऑप्शन ये है, आंसर की है, एक्सप्लेनेशन ये है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, सेम अगर क्वेश्चन मिल गया, ये चार ऑप्शन मिल गए, ये आंसर की मिल गया और इसका एक्सप्लेनेशन ये मिल गया ठीक है। ऐसे करके सारे क्वेश्चन हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन अगेन ये भी है ये भी है, तो इसको पढ़िए आप लोग। तो ये तो कोई भी कैलकुलेशन वाली पार्ट नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो रटने वाली चीज़ है, रटने वाली मतलब एक बार आप लोग इसको ट्यूटोरियल को पढ़िए, इसके बारे में जानिए, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन कर लोगे यार। मतलब बहुत ही देख सकते हो बहुत क्वेश्चन है यार, जितने हैं सारा मैंने डिस्कस कर दिया ये चीज़, तो ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन है टोटल। इसको एक बार करिए, ये रटने वाली चीज़ है, रटिए या फिर इसको पढ़िए, जैसे मर्जी वैसे करिए। तो मैं नहीं जानता, बस क्वेश्चन मिस मत करिएगा ये सब, क्योंकि यार इसमें नहीं होता रट कर करो, एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में होगा वहाँ पे क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो कर सकते हो इजिली ठीक है। बस यार आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करना था नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड के क्वेश्चन को। तो बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर दोस्तों को जरूर करिएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पूरे प्लेलिस्ट है, तो आप लोग स्किप करोगे तो उसके क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं, इससे इजी मिलते हैं, तो मैं नहीं चाहता इससे आप लोग क्वेश्चन को छोड़ो यार, तो कर लेना यार, मतलब थोड़े से पढ़ के कर सकते हो ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो कोडिंग के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो एसेंशियल 2 घंटे में 2 प्रॉब्लम पूछती है, उसके प्रॉब्लम आप लोग के सामने मैं लेके आऊंगा। एक दो प्रॉब्लम नहीं, कई सारे वीडियो बनाऊंगा, उस पर सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा आप लोग को, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, सोल्यूशन भी मैं जितना हो सकता है मैं C++, जावा और पाइथन तीनों के सोल्यूशन आप लोग को दूंगा ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर जरूर करना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, क्योंकि 1 से 2 दिन में मैं वीडियो डाल दूंगा। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।